क्यों खड़े हुए। अगर हम आज खड़े नहीं हुए कि हम पे पूरी जिंदगी चुकेगी, मैं अपनी आंटी और अंकल को जरूर एक चीज कहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के लिए। और अभी पाकिस्तानियों मुझे पता ये जो पीछे वेस्ट वाल्टो मेरे पीछे खड़े हुए है, जो सूखे बीन पोज खड़े हुए है, आप मुझे बताए ये आपको डराती है? अहकामात के बावजूद कराची में शेख शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शेख शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।